कुमाऊनी चैनल उत्तराखंड धरोहर अपनों की, जहां हम बात करते हैं हमारी संस्कृति के बारे में। दोस्तों, किसी भी स्थान की संस्कृति को दर्शाने का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है वहां का पहनावा, वहां के पारंपरिक परिधान। सो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की ट्रेडिशनल ड्रेसेस के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। उत्तराखंड कुमाऊनियों और गढ़वालियों का नेटिव प्लेस है और इन दोनों की बोली के साथ साथ वेशभूषा में भी व्यापक अंतर है और कुछ समानताएं भी हैं। तो आइए जानते हैं इन पारंपरिक परिधानों के बारे में। पहले हम बात करते हैं कुमाऊनी वेशभूषा की। कुमाऊनी क्षेत्र की महिलाओं का प्रमुख परिधान है घाघरा, जो कि अलग अलग डिजाइनों में उपलब्ध होता है। घाघरे के ऊपर ब्लाउज या कमीज पहनते हैं और कमर बांधने के लिए एक कपड़ा प्रयोग किया जाता है जिसे कमरबंद कहते हैं। महिलाएं सर ढकने के लिए सिर पर कपड़ा बांधती हैं जिसे स्कार्फ कहते हैं। इसके साथ साथ महिलाएं धोती भी पहनती हैं। कुमाऊनी महिलाओं का सबसे मांगलिक वस्त्र है पिछौड़ा, जिसे वे सभी मांगलिक कार्यों, पूजा, शादी, बर्पण आदि शुभ अवसरों पर पहनती हैं। इसे सुहाग का प्रतीक माना जाता है और विवाहित महिलाएं ही इसे विशेष रूप से पहनती हैं। यह पीले रंग का वस्त्र होता है जिस पर लाल रंग से चित्रकारी की जाती है। विवाह के समय दुल्हन को यह पिछौड़ा मुख्य रूप से पहनाया जाता है। कुमाऊं क्षेत्र के पुरुष धोती कमीज, धोती कुर्ता या पैजामा कुर्ता आदि पहनते हैं। कुर्ते के ऊपर वास्कट पहना जाता है और सिर पर सफेद गोल टोपी पहनते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं गढ़वाली क्षेत्र के परिधानों की। गढ़वाली महिलाएं गाती, धोती आदि पहनती हैं, जो मूलतः काले रंग का होता है। सर पर कपड़ा बांधती हैं जिसे स्कार्फ कहते हैं और कमर बांधने के लिए कमरबंद प्रयोग करते हैं जो कि कपड़े का बना होता है। इसके साथ ही वे फुल स्लीव्स ब्लाउज पहनते हैं जिसे आंगड़ी कहते हैं। गढ़वाली महिलाओं की धोती पहनने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है जिसमें वे पल्लू को फ्रंट से लेकर कंधे पर गांठ लगाती हैं। यह सामान रखने के लिए सही रहता है और महिलाओं के कार्य करने के लिए सुविधाजनक भी होता है। गढ़वाली पुरुष धोती, चूड़ीदार पायजामा, कुर्ता, मिर्जई, सफेद टोपी, पगड़ी, वास्कट आदि पहनते हैं। उत्तराखंड में अनेक जनजातियां भी रहती हैं जिनकी ड्रेसेस में भी थोड़ा थोड़ा अंतर है। इसमें फर्स्ट है जौनसारी। जौनसारी लोग ज़्यादा कलरफुल कपड़े पहनते हैं तथा उसके साथ हैवी ज्वेलरी पहनते हैं। यहाँ के पुरुष भी यूजुअली ज़्यादा ज्वेलरी पहनते हैं जो उन्हें गढ़वालियों से अलग बनाता है। पुरुष एक टोपी पहनते हैं जो सामान्यतः वुलन कपड़े का बना होता है, इसे दिगवा कहते हैं। महिलाएं घाघरा, वुलन कोट और सिर पर स्कार्फ पहनती हैं जिसे धांतु कहते हैं। त्योहारों में जौनसारी लोग थालका या लोहिया पहनते हैं जो कि एक लंबा कोट होता है। उत्तराखंड की एक अन्य जनजाति है भोटिया। यह जनजाति उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में रहती है जहाँ क्लाइमेट ठंडा रहता है। ये लोग अक्सर गर्म कपड़े ही पहनते हैं। ये लोग खुद कपड़ा बुनते हैं और उसे सिलकर कपड़े बनाते हैं। इनकी ट्रेडिशनल ड्रेसेस है स्कर्ट, उसके साथ ये लोग शर्ट, वेस्ट कोट और कोट पहनते हैं। यहाँ के पुरुष ट्राउजर पहनते हैं और इसके ऊपर लूज गाउन पहनते हैं जो कि कमर से एक गर्म कपड़े से बांधा होता है जिसे पट्टा कहते हैं। इसके साथ साथ सिर पर गर्म टोपी पहनते हैं। आजकल मॉडर्नाइजेशन के कारण उत्तराखंड की वेशभूषा में भी पर्याप्त चेंज आ गया है। अब ट्रेडिशनल ड्रेसेस केवल मुख्य अवसरों या त्योहारों पर ही पहनी जाती हैं। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।